हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये किंग वन का स्टाइलस पेन है जो कि एप्पल पेंसिल का एक अल्टरनेट ऑप्शन है। ये अंडर 2K बजट में आता है। इसके बॉक्स में ये रहा यूज़र मैनुअल, पेंसिल है, प्रीमियम है काफ़ी। इसके अंदर ये रहा USB-C to A पोर्ट, एक चार्जिंग केबल और ये है कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें तीन एक्स्ट्रा आपको टिप्स मिलते हैं। ये चार्जिंग पोर्ट का एक एक्स्ट्रा कवर है जो कि अगर एक आपका खो गया तो फिर से आप इसको एक अनदर ऑप्शन आपको मिलता है, अदरवाइज ये मार्केट में ऐसे तो आपको मिलेगा नहीं। इसमें आपको एल्युमिनियम एलो पेन बॉडी मिलेगा जिसकी बॉडी जो है एल्युमिनियम की है। यूज़ टाइम आपको 8 आवर्स का है, चार्जिंग टाइम 1 घंटे का है ऑलमोस्ट। इसकी टिप 1.0 mm की है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फाइन पॉइंट टिप आप देख सकते हैं इसे, मैं आपको क्लोज व्यू भी दिखाता हूँ। ये देख, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये रहा हमारा सपोर्टेड आईपैड्स लिस्ट, आप इसे इतने सारे आईपैड्स पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं कैसे ये वॉक करता है। ये डबल टैप से ऑन हो गया। और ये डबल टैप से ऑफ हो गया। काफ़ी स्मूथ है, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता, कोई भी यहाँ पे डिले नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये एक एप्पल पेंसिल का जो ऑप्शन आता है हमें, आप ड्रॉ एंड होल्ड करेंगे ना, तो ये आपको जो भी चीज़ आप ड्रॉ करेंगे वो आपको परफेक्ट बना के देगा। ये देखिए, ये ट्रायंगल मैंने बनाया, प्रेस एंड होल्ड किया, ये प्रॉपर तरीके से बन गया। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। ये स्क्वायर बनाया मैंने, ये देखिए, तो ऑलमोस्ट एप्पल पेंसिल की तरह ही वर्क करता है। इसका पॉम रिजेक्शन कभी कभी काम नहीं करता अच्छे से, ये मैंने फेस किया है। मतलब आप कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ कि पाम आपका इफेक्ट करेगा, आप जब कुछ लिख रहे हैं तो वैसा होगा जैसे अभी आपको दिखाया मैंने। और कभी कभी ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ भी हो जाता है, आई डोंट नो किस रीज़न से, बट बहुत रेयर, मतलब 10 टाइम्स में 1-2 टाइम्स ही होगा ऐसा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, फिर से आपको डबल प्रेस करके ऑन करना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने फेस की। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और ये देखिए, इसकी टिल्ट सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट एप्पल पेंसिल की तरह वर्क करती है। ये देखिए, सपोज़ आपने पेंसिल को अगर थोड़ा टिल्ट किया ना तो वो डीप हो जाएगा, दैट मीन ये देखिए, ये देखिए, ये तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट मैच हो रहा।
ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, फिर से मुझे ये ऑन करना पड़ेगा। तो ये कभी कभी होता है, रेयर, मैंने बताया ना 10 टाइम्स में एक से दो बार ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है और काफ़ी स्मूथ है। अगर आप एप्पल पेंसिल के साथ इसे कंपैरिजन करेंगे तो वो तो 11,000 की आती है और ये आपको 2,000 में आता है, तो थोड़ा डिफरेंस तो आपको रहेगा ही ऑलमोस्ट। कहाँ वो 11,000 का, कहाँ ये 2,000 का, तो थोड़ा आपको डिफरेंस रहेगा ही। बट फिर भी ये एक बिगनर के लिए बेस्ट पेंसिल है अगर आपको 2,000 के अंदर में लेना है तो। ये स्क्रिबल भी अच्छे से काम करता है, अगर आपको कुछ कहीं पे टाइप करना है तो आप सिंपली इसके ऊपर लिख देंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टाइप हो जाएगा। जैसे लिखा मैंने गूगल, ये आ गया, और लाइक फेस बुक आ गया। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं तो कहूँगा अगर आपको 11,000 रुपीज़ खर्च नहीं करने हैं तो आप इस पेंसिल को ले सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है। मैंने इसको 15 डेज यूज़ किया, उसके बाद में इसकी रिव्यू बना रहा हूँ। गाइज एप्पल ओरिजिनल पेंसिल यहाँ से वायरलेस चार्ज होती है इस जगह से, ये देखिए मैग्नेटिक पॉइंट है ये, बट ये पेंसिल चार्ज नहीं हो, लेकिन आप इसको ऐसे चिपका के जस्ट होल्ड कर सकते हैं। इसको चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे इस पोर्ट पे कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इस पैड के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं और आप डायरेक्ट एडेप्टर के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि केबल ऑलरेडी बॉक्स में आता है। ये देखिए पैड के थ्रू से भी आप चार्ज कर सकते हैं, जो C2C केबल है जो आईपैड के साथ आती है, ये देखिए। इसमें इंडिकेटर भी है, आपको बताएगा कि कितने परसेंट बैटरी इसकी बची है, कितना चार्ज हो रहा है। ये अच्छी बात है बिकॉज ये टग्जर के पेंसिल में मुझे ये देखने को नहीं मिला। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये रहा बेल आइकॉन, इसे भी आप प्रेस कर दें। इस बेल आइकॉन को थोड़ा कलर कर लेते हैं। हाँ, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब।